कहते हैं कि इंसान अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है और इंसान को करना भी चाहिए। ऐसे भी माँ बाप हैं इस दुनिया में जो इस तकलीफ से तंग आकर अपनी औलाद का गला दबा देते हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन कुछ और करने की हिम्मत जरूर थी और आज मैं वही करने जा रही थी। मेरा एक एक कदम मुझे मार रहा था और आज मैं जो करने जा रही थी वो एक पाप था, लेकिन मुझे वो सारे पल याद आ रहे थे जो मैंने अपने पति के साथ गुजारे थे, जो खूबसूरत पल हम दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारे थे। वो पल आज मुझे चीख चीख कर बुला रहे थे, रोक रहे थे, कह रहे थे कि बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके साथ इतनी बड़ी बेवफाई ना करो। लेकिन मैं बढ़ती चली जा रही थी। मेरे कपड़े बहुत ही ज्यादा कीमती और हद से ज्यादा खूबसूरत थे। मैं आफत लग रही थी, कयामत लग रही थी। शायद इतनी खूबसूरत मैं सारी जिंदगी में नहीं लगी थी, अपने पति के लिए भी नहीं। लेकिन इस खूबसूरती का क्या फायदा, मैं जो कयामत लग रही थी आज ये कयामत मुझ पर खुद ही टूटने वाली थी। मैं उस व्यक्ति के कमरे के अंदर चली गई, लेकिन फिर ऐसा मंजर देखा मैं सख्ते में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि मेरे सामने आज एक ऐसा चमत्कार हुआ था। आज मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए एक हफ्ता हो गया था। हाथ में कुछ पैसे थे जो खत्म हो चुके थे। अब ये वो जमाना नहीं था कि थोड़े पैसों से ही गुजारा हो जाता था। रोज के लिए इतने पैसे चाहिए होते थे कि जितने बनते नहीं थे। मेरे चार बच्चे थे और वो चारों ही 5 साल के अंदर पैदा हुए थे, क्योंकि मैंने एक एक साल के बाद बच्चा पैदा किया था। मेरे पति को बहुत शौक था कि उसके ढेर सारे बच्चे हों। वो ये भी कहता था कि मर्द की इज्जत इस बात से भी होती है कि उसकी औलाद कितनी है। अगर उसने बच्चों की फौज बनाई हो तो दूसरे मर्द उस पर गर्व करते हैं और खुश होते हैं और उसको देख कर ये सोचते हैं कि कितना खुशकिस्मत है, इसके पीछे क्या वजह थी। ये मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि मेरी शादी भी कम उम्र में हुई थी। लेकिन मेरा पति कहता था कि उसे बहुत सारे बच्चे चाहिए। वो आदमी बुरा नहीं था, लेकिन आगे की नहीं सोचता था। वो इस दुनिया से चला गया, अब हम लोग बेसहारा रह गए। वो तो अपने रिश्तेदारों के घर आना जाना भी नहीं रखता था, किसी की मुसीबत में किसी के काम भी नहीं आता था। लेकिन अगर मुसीबत में काम आया भी होता तो कोई हमारी मदद ना करता, क्योंकि आजकल जमाना ही ऐसा था, घर की चीज बिकना शुरू हो गई और अब घर में भूखे रहने तक की नौबत आ गई। मैं चीजें मांगने पर आ गई, कभी किसी के घर से एक प्लेट सब्जी लेकर उसी से सब खाना खा लेते, और कभी कहीं से एक प्लेट चावल या कोई चीज मांग के पानी में पकाकर खा लेते। लेकिन ये सब कब तक चलता। मैं बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी, कोई काम नहीं कर सकती थी, मुझे आता ही क्या था। माँ बाबा ने पढ़ाई भी हासिल नहीं करने दी थी, बस जैसे ही उम्र हुई शादी करवा दी। अब तो मेरे माँ बाबा इस दुनिया में भी नहीं थे, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे छोटी थी। सारे बहन भाई अपने अपने घर के हो गए थे, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद कर दी थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जिन हालातों में हम लोग फंस चुके थे, हमें तो रोज मदद की जरूरत थी। अगर कोई होता जो हमारे खर्चे उठाता, हमारे मोहल्ले में एक किराए वाला था। मैं एक दिन उसकी दुकान पर चली गई। मैंने उसे कहा कि मुझे राशन की बहुत जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। वो मेरे पति को अच्छी तरह जानता था। उसने मुझे आटा मुफ्त में दे दिया और कहा कि ठीक है ले जाओ, और उसने मुझे सर से लेकर पांव तक देखा। मुझे उसकी नजर कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन शायद मैं ज्यादा ही सोच रही थी, क्योंकि मैं अब अकेली हो गई थी, इसलिए दिल में अजीबोगरीब तरह के ख्याल आते रहते थे। ऐसा लगता था कि सब लोग ही मेरे दुश्मन हैं, कोई भी मेरा अपना नहीं है। बच्चे इतने छोटे थे कि वो मेरी मदद नहीं कर सकते थे, अभी उनको खुद संभालने की जरूरत थी। मेरी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 3 महीने की थी, मैं उसको छोड़कर कैसे कहीं जा सकती थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब मैं रोज उस किराए वाले की दुकान पर जाती और कोई ना कोई चीज उधार ले लेती। वो इस चीज को खाते में लिख लेता। वो ये समझ रहा था कि मैंने खाता खुलवाया है और बाद में पैसे दे दूंगी। मेरा पति भी इस तरह ही करता था और मोहल्ले के बाकी लोग भी ऐसा ही करते थे, लेकिन उसे क्या पता था कि मेरे पास बाद में देने के लिए भी कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं है, बाद में तो 1 रुपया भी नहीं होगा। घर की वो चीजें भी बेच दी जिनको बेचने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो भी चली गई। एक दिन एक औरत मेरे घर आई, वो मेरी दोस्त थी, लेकिन जब से मेरा पति इस दुनिया से गया था वो पहली बार ही आई थी। मुझे उससे मदद की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके हालात भी मेरी तरह ही थे। उसके पति का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, वो खुद बड़ी परेशान रहती थी। फिर भी घर से एक टाइम का खाना बनाकर ले आई थी और आकर मेरे पास बैठ गई, मेरे बच्चों को खाना खिलाने लगी। मैंने कहा कि तुम कैसी हो,
उसने कहा कि मेरी छोड़ो, तुम्हारे हालात के बारे में सब जानते हैं, कैसे गुजारा हो रहा है। मैंने कहा कि किरियाने की दुकान पर जाती हूँ, कभी कोई चीज ले आती हूँ तो कभी कोई। उसने कहा कि ये सब कैसे करती हो, पैसे कहाँ से देती हो। मैंने कहा कि नहीं, पैसे नहीं है, मैं नहीं देती पैसे, यूं समझ लो उधार चल रहा है। तो उसने कहा कि वो व्यक्ति तो बहुत अजीब सा है, वो तो पैसे लेने लोगों के घर पहुंच जाता है। मैंने कहा कि जब घर आएगा तब देखी जाएगी, अब और क्या करूं, चार चार बच्चे हैं, किस तरह गुजारा होगा। उसने कहा कि मेहनत मजदूरी कर लो। मैंने कहा कि इतने छोटे बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊं। उसने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया कि मुझे सलाह देकर चली गई। खुद मेहनत मजदूरी करने जाती है तभी तो इसका पति दूसरी औरतों के पीछे जाता है, लेकिन मेरा पति तो इस दुनिया में नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया, शायद मुझे घर बैठकर उधार की चीज लेकर खाने की आदत पड़ गई थी। मैंने कहा कि जो चल रहा है चलने दो, कोई उठाकर पुलिस में तो नहीं दे देगा, उधार किया है तो एक दिन पैसे वापस कर दूंगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने खुद को ऊपर वाले के आसरे पर छोड़ दिया था कि बस कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं रही थी, शायद ये मेरी गलती थी। लेकिन फिलहाल मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर गई तो मुझे किराने वाले ने एक अजीब सी बात कह दी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। उसने कहा कि पहले तो तुम इतनी खूबसूरत होती थी, तुमने अपना क्या हाल बना लिया है। मैंने कहा कि आपको तो पता है मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। उसने कहा कि पति ना हो तो क्या इंसान अपना ख्याल रखना छोड़ देता है, मैं सामान में कुछ सिंगार की चीजें डाल देता हूँ, अपना ख्याल रखा करो। मैंने कहा कि इन चीजों की जगह आप मेरे बच्चों के लिए कोई और चीज दे दो। उसने कहा कि वो दे दूंगा, लेकिन अपना ख्याल रखा करो, तुम जैसी खूबसूरत औरत पूरे गांव में भी नहीं है, क्यों अपने आप को खराब कर रही हो। मैंने कहा कि खराब तो हो गई हूँ। उसने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारे चार बच्चे हैं, तुम्हें अभी भी बहुत खूबसूरती बाकी है। पता नहीं मैं उसके साथ ये सारी बातें क्यों कर रही थी और वो भी ये सब कुछ क्यों बोल रहा था, लेकिन जब मैंने घर आकर देखा तो उसके सामान के अंदर शैम्पू, क्रीम, लिपस्टिक पाउडर वगैरह डाल दिए थे। क्या मुझे ये सब कुछ लगानी चाहिए थी, लेकिन मैं लगाकर करती भी क्या। और फिर हमारे गांव के लोग तो अभी भी बातें करते थे, अभी कौन सा मेरे पति को इस दुनिया से गए हुए बहुत महीने हो गए थे, अगर मैं ये सब कुछ लगाती तो लोग जरूर मेरी पीठ पीछे बातें करते, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लगाया। सोचा कि वापसी कर दूं और फिर एक तरफ रख दिया। अगले दिन मैं फिर से दुकान पर गई तो किराने वाले ने मुझे ध्यान से देखा और कहा कि ये क्या, मेरी दी हुई चीजों में से कुछ भी नहीं लगाया। मैंने कहा कि दिल नहीं मान रहा था मेरा। उसने कहा दिल को समझा लो, तुम्हारे दिल के ना मानने से तुम्हारा पति वापस तो नहीं आने वाला। मैंने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, पता नहीं क्यों मैं उससे अपने दिल की बात कर लेती थी, शायद मैं उससे मुफ्त में चीजें ले रही थी इसलिए उसे अपनी मजबूरियां भी बता देती थी। आज तो मैंने उससे अपनी बेटी की दवाई के पैसे भी ले लिए थे, वो सिर्फ राशन दिया करता था, ये भी उसकी मेहरबानी थी, लेकिन उसने दवाई के पैसे भी दे दिए। बेटी बीमार है तो उसको ले जाओ, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गई तो वहां कुछ औरतें बैठी थी, उस किराने वाले का नाम अमित था। मुझे कुछ औरतें कहने लगी कि ये तो काम भी नहीं करती, फिर इसके पास ये पैसे कहाँ से आए कि डॉक्टर के पास फिर रही है और बच्चों के लिए दवाई भी ले रही है। वो तो ऐसे कह रही थी कि जैसे मैं किसी पार्क में फिर रही हूँ। सब कहने लगी कि हाँ तो अमित आजकल इस पर बहुत मेहरबान हो रहा है, वैसे है तो वो बहुत अजीब आदमी, किसी को एक रुपया नहीं देता, लेकिन सुना है इसके ऊपर बहुत पैसे लुटा रहा है, हर चीज दे रहा है। मैं अपने ही बारे में बातें सुन रही थी, लेकिन इस तरह से बैठी थी कि जैसे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब तो वो औरतें ऊंची आवाज में बोलने लगी ताकि मैं सुन लूं, और मेरे लिए वहां पर बैठना मुश्किल हो गया। मेरी बारी आई तो बेटी को चेक करवा के दवाई लेकर फौरन वापस आ गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे बारे में कभी इस तरह की बातें होंगी, लेकिन गांव वाले तो ऐसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों की बड़ी बड़ी कहानी बना देते हैं। मैंने उस किराने वाले से बहुत सा सामान ले लिया था, सोचा आज भी जाना है, पर अजीब सा लग रहा था। आज जाने से पहले मैंने होंठों पर उसकी दी हुई लिपस्टिक लगा ली ताकि वो देखे तो खुश हो जाए और सामान दे और कोई बात नहीं करे। मैं ये सब इसलिए कर रही थी ताकि मुझे सामान मिल जाए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं दुकान पर चली गई, उसने भी फौरन ही महसूस कर लिया कि मैंने लिपस्टिक लगाई है, यानी उसने देख लिया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, वाह आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये हुई ना बात, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, बोलो क्या चाहिए। मैं भी खुश हो गई, जो करने आई थी वो हो रहा है।
मैंने कहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़े बहुत राशन से गुजारा नहीं होता। उसने कहा कि अभी तो राशन आया नहीं है, मैंने खुद माल नहीं मंगवाया, लेकिन जो भी तुम्हें चाहिए मैं डालकर दे देता हूँ। फिर उसके बाद उसका कोई हल निकालते हैं, पूरे महीने का राशन ले जाया करो, यूं रोज रोज आती हो तो अच्छा नहीं लगता। और गाँव वाले भी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ गाँव वाले तो बहुत बातें कर रहे हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा ही होता है, कोई किसी के लिए अच्छा करता है तो दुनिया वाले उसे करने नहीं देते। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं भी हैरान हो रही थी कि ये इंसान इतना अच्छा है कि मुझे फ्री में राशन वगैरह दे रहा था। फिर लोग इसके बारे में बुरा क्यों कहते थे? ये क्यों कहते थे कि अगर किसी को 2 रुपये देता है तो उसकी हड्डियों से 4 रुपये निकाल देता है, बिना मकसद कभी किसी का फायदा नहीं करता। लेकिन अभी तक ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हुआ था। खैर मेरा काम हो गया और मैं वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। मुझे सामान की जरूरत थी और मुझे और कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने उससे इतना सारा सामान ले लिया था कि अब कीमत हजारों में चली गई थी। लेकिन जब मैं घर आई तो मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए। उन्होंने देखा कि माँ तो ढेर सारा सामान ले आई है और मेरी आंखों में आंसू थे कि सारी रात बैठ के रोती रही और भगवान के सामने बैठी रही। मैंने कहा कि ऐ भगवान मुझे माफ कर दे, मैंने क्या किया? मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं क्या करती? अब हमारे बारे में बातें बढ़ती चली जा रही थी। मेरी दोस्त ने भी मुझे कह दिया कि मैं तो समझ रही थी कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू भी बहक गई है। मेरा दिल किया कि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारूं। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और तू तो मेरी दोस्त है और दोस्त होकर ऐसी बातें कर रही हो। उसने कहा कि और क्या करूं, 2-4 जगह बैठकर मैं तेरी तरफ बोली तो लोगों ने मुझे भी बुरा कहा। वो आते जाते हुए कभी चक्कर लगा लेती थी, कोई ना कोई चीज ले ही आती थी, लेकिन साथ ऐसी ऐसी बातें भी कर जाती थी कि मेरा दिल जल जाता था। मैंने उसे कह दिया कि मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, जब मुझे तुझसे मिलना होगा मैं खुद आ जाया करूंगी। इस बात पर वो खामोश हो गई। उसने कहा कि ठीक है, एक मैं ही थी तेरी साथ, तूने मुझे भी साइड कर दिया, इसका मतलब कि तू ही गलत है। मैंने कहा कि अगर तुझे लगता है कि मैं ही गलत हूँ तो फिर तो यहाँ आया ही ना कर, सीधी सी बात है। मुझे उसने कहा था कि कल आ जाना, माल आ जाएगा, फिर कोई पक्का इंतजाम करेंगे। जब मैं गई तो वो पहले से ही काफी सारा सामान निकाल कर बैठा था, पूरे महीने का आटा, घी, तेल, चीनी, पत्ती, दालें, चावल सब कुछ पड़ा हुआ था। मुझे लगा कि शायद उसका माल आया होगा, तो उसने कहा कि नहीं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए निकाला है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि ये सब कुछ? उसने कहा कि हाँ, ये पूरे महीने का राशन है और इसके साथ सब्जियां और घी, दही, दूध भी लेकर दे दूंगा। मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा कि आप इतना कुछ करेंगे मेरे लिए? तो उसने कहा कि देखो, आज मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। उसने आसपास देखा तो दुकान पर कोई भी नहीं था, दोपहर का वक्त था। उसने कहा कि ये सब कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन यूं ही नहीं दे सकता, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैंने कहा कि शायद ये मुझसे कोई जरूरी काम करवाना चाहता है, क्योंकि मुझे पता चला था कि उसकी पत्नी के यहाँ बच्चा होने वाला था, शायद ये मुझसे मदद चाहता था। मैंने कहा कि हाँ हाँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, जो भी मदद है मैं करने को तैयार हूँ। उसने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे कानों से जैसे धुआं ही निकलना शुरू हो गया। मैं उसे हैरान होकर देख रही थी, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर चुका था। उसने इस बात को बहुत सीधे तरीके से किया था, कोई पहेलियां नहीं बुझाई, ये कोई मजाक या कोई छिपी हुई बात नहीं की, सीधे 2 टके से शब्द थे। उसने कहा कि मेरी पत्नी के यहाँ आजकल में औलाद होने वाली है। मैंने कहा कि हाँ, मुझे गाँव की औरतों ने बताया है, हो सकता है कि आपको मेरी मदद इसी के लिए चाहिए हो, क्योंकि शायद वो घर का काम वगैरह भी नहीं कर पा रही होगी, मैं कर दूंगी और बच्चा भी संभाल लूंगी। उसने कहा कि उसको छोड़ो, मैं तो तुम्हें कुछ और ही बताना चाहता हूँ। मैंने कहा कि क्या मतलब, मैं समझी नहीं। उसने कहा कि मेरी पत्नी बहुत मोटी हो गई है, मेरा उसके पास जाने का दिल नहीं करता, तो मेरे साथ एक रात गुजार लो और 1 महीने का राशन ले जाओ। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई और अब मुझे पता चल गया था कि सारे गाँव वाले क्यों कहते थे कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, आखिरकार इसने अपना फायदा निकाल ही लिया। मैंने इसकी बात सुनी तो मैं 2 कदम पीछे हट गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मेरे चेहरे पर हैरानगी थी। उसने कहा कि क्यों, क्या हो गया? मैंने कोई ऐसी वैसी बात कर दी? तुम कोई छोटी बच्ची हो, 4 बच्चों की माँ हो, तुम्हें नहीं पता कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कुछ लो कुछ दो का कानून चल रहा है, तो तुम क्या मेरे चाचा की बेटी हो जो मैं तुम्हारी मदद करता रहता? मैंने सर झुका लिया, मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। उसने कहा कि यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कहा है उसके बारे में सोचो,
नहीं तो तुम्हारी तरफ पूरे 35,000 रुपये बनते हैं, वो कल देकर जाना। मैं हैरान थी कि इसने एक एक चीज का हिसाब रखा हुआ था। हम कौन सा पेट भरकर खाते थे, बस रोज थोड़ा थोड़ा आटा और दाल ही तो लेकर जाती थी, लेकिन 2-4 महीने में 35,000 तो बनते ही थे। आजकल महंगाई जो इतनी हो गई थी, उसने कहा कि 1 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर आना हो तो आ जाना, नहीं तो पैसे देकर जाना, और अगर पैसे नहीं दिए तो पंचायत बुला लूंगा, सारे गांव वालों के सामने बुलाऊंगा तुम्हें, उनको भी पता चलेगा तुम मुझसे किस तरह पैसे लेकर जाती हो। तुमने यहाँ पर खाता खुलवाया था, तुम्हारा पति भी ऐसे ही करता था, लेकिन वो पैसे देता था। तुम्हारा पति तो इस दुनिया में नहीं है, तो पैसे कौन देगा। अचानक से उसके बोलने का अंदाज बदल गया, उसकी आवाज ही बदल गई थी। मैं वहां से वापस आ गई और आसमान की तरफ देखने लगी कि अब क्या होगा, मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा, गांव वालों के सामने इज्जत भी जाएगी और जो रोजी रोटी लगी हुई है वो भी खत्म हो जाएगी। क्या मुझे ये सब करना चाहिए था। आज मुझे समझ आया कि लोग क्यों अपनी औलाद को जान से मार देते हैं, क्योंकि वो उन्हें भूखा नहीं देख सकते, लेकिन अपनी औलाद को जान से मारने से तो अच्छा था कि मैं अपने आप को ही जान से मार देती। लेकिन ये मौत ऐसी थी कि जिसमें मैं मरती नहीं जिंदा रहती, लेकिन शायद मेरे अंदर कुछ टूट जाता और मैं अपनी आत्मा की बलि देने को तैयार हो गई। रात को बैठी अपने बच्चों को देखती रही, टाइम हो रहा था 12 बज चुके थे, मेरे पास 1 घंटा था। मैंने वो सारी चीजें उठाई जो उसने मुझे दी थी, जिसे मैंने अपने आप को तैयार किया, और अब मैं उसके घर की तरफ चल पड़ी थी। अगर मुझे उस वक्त कोई देख लेता तो मुंह पर हाथ रख कर रह जाता कि मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। फिलहाल तो मैंने खुद पर चादर डाली हुई थी। मैं अंधेरे में चलती जा रही थी, मेरे दिमाग में मेरे पति के साथ गुजारे सारे पल घूम रहे थे, मेरे बच्चों की आवाजें, मेरे बच्चे जब मुझसे खाना मांगते थे, मैंने उन बच्चों को बहुत मेहनत से पाला था इसलिए कि उनको भूख से तड़पता हुआ देख सकती। बस ठीक है, आज मैंने अपने आप को मार डाला था, और मैं क्या कर सकती थी, माँ और क्या कर सकती है। बच्चों और अपने आप में से अपने बच्चों को ही चुनती है। मैं अब आसमान की तरफ भी नहीं देख रही थी, शायद ऊपर वाले से भी आंखें नहीं मिला पा रही थी, बस चलती जा रही थी। मैं वहां पर पहुंच गई, उसने मुझे जगह बताई थी, ये शायद उसके घर की बैठक थी। उसकी पत्नी तो बीमार थी, उसको तो पता भी नहीं चलता कि घर में हो क्या रहा है। बैठक का दरवाजा भी खुला हुआ था, उसने शायद खिड़की से ही मुझे आते हुए देख लिया था और फिर दरवाजा खोल दिया था। मैंने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो तो माहौल बनाकर बैठा था, वहां खाना भी पड़ा था जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उसके अलावा मेरे लिए गिफ्ट और वही राशन जो उसने एक बड़ी सी बोरी में डालकर रखा हुआ था, वो भी एक तरफ पड़ा था, और राशन को गाड़ी के अंदर रखा था ताकि जाते हुए मैं इसे आराम से ले जा सकूं। इतना कुछ सोचकर बैठा था ये आदमी, मुझे तो इसकी शक्ल से ही नफरत हो गई थी। मुझे लगा था कि ये मेरा सहारा है, मेरी मदद कर रहा है, लेकिन ये थी इसकी मदद। आज मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैं दरवाजे में खड़ी थी और मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन मुझे आगे तो जाना ही था। अगर बाहर भी खड़ी रहती तो कोई और मुझे देख लेता, और तब भी बात बदनामी तक ही चली जाती। खैर, मैंने दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। उस आदमी ने मुझे एक नजर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी कि अगले ही पल उसने अजीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीखें इतनी ज्यादा अजीब और तेज थी कि मेरे दिमाग में लगने लगी। मैं हैरान हो गई कि इसको क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद उसने तड़पना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। शायद उसकी पत्नी ने उसकी आवाज सुन ली थी, वो दूसरे दरवाजे से कमरे में आ रही थी। मैं उस तरफ से दीवार के पीछे छुप गई, वो भी परेशान हो गई और मदद के लिए आवाज देने लगी। मैं वापस अपने घर की तरफ भागने लगी। सुबह पता चला कि किरियाने वाला इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया था, और गांव वालों को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसको अस्पताल ले जा रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मैं जो ऊपर ये सोचकर ना देख रही थी कि मैं एक बहुत बड़ा पाप करने जा रही हूँ, और बहुत मायूस थी। अब आसमान की तरफ देखते हुए मेरी आंखों से आंसू बह गए। क्या मुझे भगवान ने बचा लिया था, या उस व्यक्ति की आई उसके सामने आ गई थी। किसी को पता नहीं था कि मैंने उसका कितना कर्जा देना है, इसलिए वो बात वहीं पर खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद मैंने भी सोच लिया कि मैं हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठूंगी और मांगे तांगे पर गुजारा नहीं करूंगी, अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ न कुछ करूंगी। मैंने अपनी सहेली से बात की और उसे कहा कि वो मेरे बच्चों को 3-4 घंटे अपने घर में रख लिया करे, उसे बस ये काम करना है, महीने के कुछ पैसे दे दिया करूंगी, और खुद में मजदूरी करने जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेहनत की आदत पड़ गई।
पैसे कम मिलते थे, गुजारा अच्छे से नहीं होता था, लेकिन ये पैसे कड़ी मेहनत के थे, किसी से मांगे हुए नहीं थे, उनमें किसी का डर नहीं था और सच कहूं तो उन पैसों में इज्जत बहुत थी। मैं अपने बच्चों का खाना पीना पूरा करने लगी, फिर थोड़े पैसे जमा करके घर में मशीन खरीद ली और घर में लोगों के कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया। अब सारा गांव मुझसे कपड़े धुलवाता। गांव में इस तरह की चीज का पहले रिवाज नहीं था, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही थी, इसलिए वो मुझसे कपड़े धुलवाया करते थे। मैं ज्यादा पैसे नहीं लेती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पैसे भी बढ़ाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई थी। अब मैं सारे गांव के कपड़े वगैरह धोया करती। मैंने दो और औरतों को भी अपने साथ रख लिया। इस बात को 3 साल गुजर गए, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, वो भी मेरी मदद करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सीखा है। पता नहीं किसका आशीर्वाद था, ये मेरी कोई नेकी थी जो मेरे सामने आ गई और मेरी इज्जत और जान दोनों बच गई। लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।